हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी क्लासेस। मैं विकास सोनी आईपी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब के सेशन के अंदर। तो बता दूं, हम फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारा मेन टारगेट था एनडीए के एग्जाम को कवर करना, एयरफोर्स के एग्जाम को, नेवी के एग्जाम को, सीरीज के एग्जाम को, या आप करंटली 11th या 12th में तो उसके कंसेप्ट को क्लियर करना, ये हमने टारगेट बना रखा था। तो बताना चाहूँ, इससे पहले हमने प्लस वन क्लास के कोर्स से यूनिट्स एंड डायमेंशन यानी मेजरमेंट वाला कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था विद एमसीक्यू का शतक। जिसने वो वीडियो नहीं देखी या इससे पहले वाला जो पार्ट है हमारा वेक्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसने वो मिस कर दिया, तो चिंता मत कीजिए, स्क्रीन पे कहीं भी टच कीजिए, क्लिक कीजिए, आपको ऊपर आई बटन दिख जाएगा, उस आई बटन से आप उस वीडियो के लिंक तक पहुँच सकते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिर से वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर का पार्ट नंबर टू, क्योंकि पार्ट नंबर वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने शायद वो देख लिया होगा, आई थिंक सो अच्छा भी लगा वो आपको। तो चलिए जी, हो जाए शुरुआत। इसी के साथ आप सब बच्चों का कमेंट मुझे दिखना चाहिए, लेट्स फायर वाला, लेट्स फायर आप सब जरूर कमेंट करेंगे, आग लगा देनी है। चलिए जी, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो याद कीजिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो सबसे मेन टॉपिक पढ़ा था वो था वेक्टर के टाइप्स एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। मैं आपको बता रहा था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मतलब, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल वेक्टर क्वांटिटीज एक्ट कर रही हैं उस केस में रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टेंट कैसे निकलोगी। तो हमने ये चीज सीखी थी इसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ आपको, लेट अस सपोज आपके पास ये कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस तरफ है, आप जब देख सकते हैं मैंने जो ये एरो बनाया, ठीक है ना, कोई एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है वो कोई इस तरफ एक्ट कर रही है, हमने इसका नाम दे दिया P वेक्टर, हमने दूसरे का नाम दे दिया Q वेक्टर, इनके बीच का अगर एंगल थीटा है, आपसे पूछा जाए इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा। इसको थोड़ा सा और समझिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि यार ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका नाम मैंने P रखा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, डायग्राम में देखें जरा तो ये Q लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो बॉडी है इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, हमें वो वेक्टर ढूंढना है जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देगा, यानी ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं रिजल्टेंट वो अकेला काम करेगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे आपको याद होगा, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हुआ करते थे, हमने ट्रायंगल लॉ भी पढ़ा, हमने पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ा। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा यार, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे बताएं कि दोनों के दोनों वेक्टर एक सिंगल पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं ना, यानी ये को इनिशियल है, तो ऐसे केसेस में आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करें तो सबसे बेस्ट है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंप्लीट किया, और इन दोनों को कंप्लीट करने से हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, तो ये जो बीच वाला आपका जो डायगनल है, ये डायगनल ही रिजल्टेंट को इंडिकेट करेगा, यानी इस P और Q का जो रिजल्ट होगा वो ये इसके इस एरो वाली लाइन के अलोंग होगा। इसकी कितनी वैल्यू होगी और ये कितने एंगल पे होगा, मीन टू से हमारा रिजल्टेंट जो है ना वो हॉरिजॉन्टल यानी P के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो आपको रिजल्टेंट के केस में दो चीजें पता होनी चाहिए थी, एक उस रिजल्टेंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रिजल्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या कीजिए, अंडर रूट सबसे पहला जो आपका जैसे P वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू का कर दीजिए स्क्वेयर, दूसरे की वैल्यू का स्क्वेयर, प्लस में 2P इंटू क्यू इंटू उनके बीच का जो एंगल है उसका कोस थीटा। तो ये आपके पास वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए था। एंड बात करें अगर डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट ऑफ अल्फा, यानी देखिए ये रिजल्टेंट अल्फा एंगल ही तो बना रहा है, तो दिस टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा, यानी जो क्यू वाला वैक्टर है उसकी वैल्यू इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस क्यू कोस थीटा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जनरली रिजल्टेंट का पूछा जाता है तो ऊपर वाला तो दिमाग में बिठा ही लीजिए और ये वाला तो याद साथ कर लेना। ये था लास्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमारा अब मेन पार्ट है भैया प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार इसको लाइक करना मत भूलना, और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, पहुंचा दीजिए चप्पे चप्पे पे, कोने कोने में। तो वेक्टर्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं, जैसे सबसे पहली अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि अगर आप वेक्टर ए में बी को ऐड कर दें या फिर बी में ए को ऐड कर दें तो एक ही बात है, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, आप यहां से स्टार्ट करते हैं, देखिए यहां से ए से आप ए ए वेक्टर ये इंडिकेट कर रहे हैं ना, आप यहाँ से ओ पॉइंट से चले ए तक आए, ये पॉइंट तक आए, फिर यहाँ से आप बी तक गए यानी आपने ये बी वेक्टर बनाया, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर सी इनका रिजल्टेंट होगा, है ना। यहाँ पर हमने ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग बनाया,
क्योंकि दो साइड्स को आपने सेम ऑर्डर में लिया तो तीसरी साइड इन अपोजिट ऑर्डर आपको रिप्रेजेंट करती है इनका रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, क्या बी में ऐड कर दीजिए, ये हमने पहले बी लिया, देख लीजिए आपने पहले बी वेक्टर लिया फिर उसके बाद आप चाहे ए वेक्टर लगाओ तो रिजल्टेंट अगेन वही सी ही तो होगा, ठीक है ना, उतना ही होगा। क्लियर, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए यानी ये सही है, यानी वेक्टर का जो एडिशन है, क्योंकि देखिए इनके बीच में आप देखिए ऐड वाला सिंबल है तो ये जो वेक्टर का जो एडिशन है दैट इज ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर आपको बोला जाए ए प्लस बी में सी को जोड़ दो या बी प्लस सी करके फिर ए को जोड़ दो तो बात एक ही है, ठीक है ना। ये तीन वेक्टर्स के लिए इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे डायग्राम में देखिए ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया तो ये देखिए ये इनका रिजल्टेंट आ गया, क्या आया, ये ए प्लस बी आया। अब इस ए प्लस बी के अंदर हमने सी को ऐड किया तो सी को ऐड कर देते हैं तो फाइनल आंसर आया, लेट अस सपोज वो ये आया आपका, क्या नाम है इसका, डी वेक्टर आया। अब हमने दूसरे तरीके में क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया बी और सी को ऐड किया, तो देखिए जरा ये वेक्टर आप देखिए ये बी है, बी के अंदर हमने सी को ऐड किया, ये वाला बी और सी, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट बी सी ये वाला होगा कुछ इस तरह से। अब इस बी सी के अंदर मैं क्या करूं, ए को ऐड करूं तो आपके पास रिजल्टेंट तो वही आएगा डी, यानी दोनों सेम रिजल्ट शो करते हैं। आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, फॉलो होती है, ठीक है ना, इसके प्रूफ वगैरह पे किसी पे कुछ नहीं करना आपने का। एंड ये भी छोटा सा फैक्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्या होगा अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो किसी एक नंबर के साथ जो कि स्केलर हो, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो लेट अस सपोज आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर है, आपने उसको किसी स्केलर वैल्यू एस से मल्टीप्लाई किया तो उससे आपके पास एक नया वेक्टर आ जाएगा। अच्छा उस नए वेक्टर की खास बात क्या होगी, जो नया वेक्टर होगा ना उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द वैल्यू एस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। आपका जो न्यू वेक्टर आएगा, ध्यान से सुनना, जब आपने एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस बार चेंज हो जाएगा, कितना होगा, पुराने वाले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वो जो फैक्टर जिससे आपने मल्टीप्लाई किया। डायरेक्शन जो है बेटा वो क्या रहती है, डायरेक्शन सेम रहती है जब तक आपने उसको प्लस या माइनस से मल्टीप्लाई किया। अगर आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम रहेगा, आपने अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लेट अस सपोज आपके पास जो नंबर एस है उसकी वैल्यू प्लस का टू है, आपने अगर कोई एक वेक्टर ए लिया, ये जैसे देखिए ये एरो वाइज दिखा रहा है ना, ये वेक्टर कोई ए है, जैसे आपने इसको टू से मल्टीप्लाई किया प्लस के तो ये बन गया प्लस का टू ए, यानी क्या देखिए फर्क क्या पड़ा, एक तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया क्योंकि दो से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए आप लाइन की लेंथ आपको बड़ी हुई मिल रही है, साथ में डायरेक्शन तो अभी भी वही सेम है, पहले भी राइट हैंड साइड में जा रहा था अब भी राइट हैंड साइड में जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो एस नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर हमारा ये नंबर एस नेगेटिव है, लेट अस सपोज माइनस का थ्री हमने माना, तो मैग्नीट्यूड तो तीन गुना बढ़ जाएगा लेकिन माइनस की वजह से डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, देख लीजिए डायरेक्शन अपने अपोजिट कर दी। ठीक है, ये नंबर जो है ये क्या करेगा, ये मैग्नीट्यूड को चेंज करवाएगा और ये जो प्लस माइनस है ये डायरेक्शन को चेंज करवाएगा। क्लियर, चलिए अगला कंसेप्ट, अब हमारा ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ना समझ आए एक बार नहीं 20 बार पूछ लेना, आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगा। अब हमारा अगला जो ऑपरेशन है दैट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। क्या वेक्टर क्वांटिटीज भी सब्ट्रैक्ट होती हैं? बिल्कुल होती हैं यार, बेहतरीन शानदार तरीके से सब्ट्रैक्ट होती हैं। कैसे होती हैं देखिए, लेट अस सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और ये वेक्टर क्वांटिटी बी है, जनरली हम उनको ऐड किया करते थे तो एडिशन के दौरान ये जो वैल्यू हुआ करती थी ये आपका ए प्लस बी हुआ करता था, जिसको मैं रिजल्टेंट बोलता था, सी बोल दो आर बोल दो आपका जो भी मन करे, ठीक है, ये हम किया करते थे। लेकिन अब हम कर रहे हैं वेक्टर को सब्ट्रैक्ट, मतलब एक वेक्टर में दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें। लेट अस सपोज आपको लिखा मिला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो देखिए बीच में सब्ट्रैक्शन का निशान बन गया, तो यार ये सब्ट्रैक्शन कुछ अलग नहीं है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, आप क्या करो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर एज इट इज, ठीक है, माइनस की जगह मैंने प्लस लगा दिया और बी की जगह नेगेटिव ऑफ बी लिख दिया, बात तो वही है सर, बात तो वही है ना, बात वही है, a माइनस बी को मैंने क्या लिखा, a प्लस नेगेटिव ऑफ b, यानी आप बोल सकते हो कि सर वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ अलग नहीं है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी में दूसरे का नेगेटिव तुम जब जोड़ दो ना उसी को सब्ट्रैक्शन बोलते हो,
देखिए डेफिनेशन वाइज देख सकते हो, द सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, अगर b में से a माइनस कर रहे हो, इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ माइनस का b टू a। मतलब आपने क्या करना है सब्ट्रैक्शन में, अब एक्चुअल में हमने करना तो उसको सब्ट्रैक्ट है, लेकिन किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव वेक्टर को। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे a माइनस b को, जरा ध्यान से देखना। अगर आपको कहा a माइनस b, तो आपको देखो नेगेटिव किसको लेना पड़ेगा, b वाले को। तो देखो a वाला हमारा एज इट इज, ये देख लीजिए ए वाला, बी वाला हमारा ऊपर हुआ करता था, जरा ध्यान दीजिए, बी वाला हमारा जो था वो ऊपर था, ऊपर वाले डायग्राम में देख लो बी ए रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए में से माइनस का बी, अगर ये ए है इसको तो कुछ नहीं करना, हमें बी का नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर ये ऊपर की तरफ बी है तो नेगेटिव ऑफ बी क्या हुआ, इसका अपोजिट। तो ये जो दिख रहा है ना नया वैक्टर, ये आपका माइनस ऑफ बी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने इस ए वैक्टर को और इस माइनस वाले बी को जोड़ना है, तो इनका जो सम है तो वो तो नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला रिजल्टेंट। तो आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया किसको, a माइनस बी को, ठीक है। अच्छा कुछ एक एक दो और एग्जांपल से इसको समझते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं। लेट अस सपोज तुम्हारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कुछ इसका नाम मैंने लिखा p वेक्टर, क्या नाम लिखा, p वेक्टर, ठीक है। एक आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेट अस सपोज ये q वेक्टर है। आपको अगर मैंने कहा यार तुम्हें भाई साहब क्या करना है, p माइनस क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, p माइनस क्यू को, तो सबसे पहले देखो यार मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा ये एक्चुअल में p वेक्टर प्लस में माइनस का q है, यानी आप इसको एडिशन के टर्म में लिखते हो। अब मुझे बताओ तुमने दोनों में से किसको माइनस का बनाया, क्या तुमने p को माइनस का बनाया या q को, तो सर हमने तो q को बनाया क्योंकि माइनस ऑफ q है, तो q आपके पास ऊपर की तरफ है, तो माइनस ऑफ q कहां होगा, ये आपके पास नीचे की तरफ होगा, तो आपने ये क्या बना दिया, माइनस का q वेक्टर बना दिया, चलिए ठीक है, माइनस का q बना दिया। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको दिखाना है रिजल्टेंट। अच्छा बताओ रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है p का और माइनस के q का सम, तो ये रहा आपके पास p वेक्टर, ये रहा माइनस का q वेक्टर, इनका सम, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो हमने यहाँ पर यूज किया पैरेललोग्राम लो, ठीक है, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो इफेक्ट है वो कहीं बीच में दिखेगा। तो ये जो वेक्टर अब मैं बना रहा हूँ ना, आप जरा देखो जरा ध्यान से, ये वाला जो वेक्टर है ये इंडिकेट करेगा किसको, इंडिकेट करेगा p माइनस क्यू को, किसको इंडिकेट करेगा, p माइनस क्यू को, ठीक है, बना दिया। चलिए जी एक एग्जांपल और बना ही लेते हैं यार, फिर से बनाते हैं इसी को। अगर मैं इसी क्वेश्चन में, ये हमारा p वेक्टर है, ये ऊपर की तरफ मैंने q वेक्टर बनाया, मैंने तुम्हें बोला कि भाई साहब इस बार तुम मुझे बताओ कि q माइनस p किस तरफ होगा, q वेक्टर माइनस p वेक्टर। अब जरा ध्यान दो इस वेक्टर, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताओ किसको माइनस का बनाना है, इस बार मुझे p को माइनस का बनाना है, ठीक है, क्योंकि q तो एज इज है। अब ये वेक्टर हमारा p है इधर वाला, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव तो पीछे की तरफ होगा क्योंकि हमें माइनस का p चाहिए, तो ये हमारा बन गया माइनस का p वेक्टर। अब बताओ रिजल्टेंट किसका, q का और माइनस के p का, मतलब हमें चाहिए रिजल्टेंट, मैं यहां से बनाता हूं, हमें चाहिए रिजल्टेंट इस q का और इस माइनस के पी का। तो बना देते हैं ट्रेंगल लो, ये पैरेललोग्राम, अब देखिए दोनों सेम पॉइंट से जाने तो पैरेललोग्राम बनाना है, तो हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दिया। तो ये जो रिजल्टेंट है ये वाला भाई, ये रिजल्टेंट इंडिकेट करेगा किसको, इंडिकेट करेगा क्यू वेक्टर माइनस के पी वेक्टर, क्लियर। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये सर हम सब्ट्रैक्शन का यूज कहाँ पर करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन काम कहाँ आता है, तो मैं बताना चाहूँ रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन वाला कंसेप्ट है, वहां पर आपका एरर काम आता है। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, जनरली ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके अंदर आपका ये काम आता है। रिवर बोट प्रॉब्लम है, वहां पर आपके ये काम आता है, यानी ये कंसेप्ट काफी जगह आपके काम आएगा। अच्छा काम आने से पहले सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर कोई एक ए है, ये बी है, ये जरूरी नहीं ए या बी माने, अब इसको आप पी भी मान सकते हो, आप इसको क्यू भी मान सकते हो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने ये पी और क्यू की टर्म में लिखा है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, आप दोनों की डायरेक्शन भी देख सकते हैं, तो इनके बीच का जनरली जो एंगल हुआ करता है वो मान लीजिए कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है। अब हमें आपको आपको कहा गया कि आपने क्या करना है भाई साहब, आपने ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इसको पी में से क्यू को माइनस करना है। तो अगर पी में से क्यू को माइनस करना पड़ना है आपको, तो नेगेटिव कौन सा लोगे मुझे बताओ, आप लोगे नेगेटिव ये वाला है ना, यही तो लोगे आप, ये तो लोगे आप, ठीक है। तो ये माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा भाई, माइनस का आपके पास बी आ जाएगा, क्लियर। देखिए ए को मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ इधर, ये ए की कंटिन्यूस वाली डायरेक्शन है, मतलब ए इस तरफ जा रहा है,
तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ बी आ गई। अब मुझे बताओ, अब एक्चुअल में आपको बताया है मैंने कि वेक्टर एडिशन है, तो ये वेक्टर एडिशन, ए में से बी को माइनस कर रहे हो तो उसको ऐसे ही लिखोगे आप, ए प्लस में नेगेटिव ऑफ बी, बिल्कुल ठीक है सर। और हमने, आपको याद होगा, जब दो वेक्टर को ऐड करते तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था, आर आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, है ना, ऐसे तो था। अब एंगल देखिए जरा ध्यान से, अब क्या है, ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये इधर की तरफ, बी वेक्टर की, माइनस के बी वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो इनके बीच का एंगल कौन सा, इनके बीच में तो भाई ये एंगल है 180 माइनस थीटा। तो आपने जहां पर पहले थीटा एंगल यूज किया था तो वहां पर क्या लिख दो, जस्ट थीटा एंगल जहां लिखते थे उसको लिख दो 180 माइनस थीटा, यानी अगर आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो बस एंगल को चेंज करना है, बाकी लगभग सेम है। तो देखो मैंने इसमें तो ऑलरेडी चेंज कर दिया, यहाँ पर कोस थीटा होता था, मैंने 180 माइनस थीटा लिखा तो 180 माइनस थीटा पे कोस तो कोस ही रहेगा लेकिन माइनस का आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने ओवरऑल चेंज कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। इन सब्ट्रैक्शन के केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस का टू पी क्यू कोस थीटा। लेकिन माइनस साइन कहाँ आया, जब मैं कोस ऑफ थीटा को थीटा की जगह यहाँ पर 180 माइनस थीटा लिखता हूँ, कोस 180 माइनस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है ना, ये इसी से आया, तो माइनस का साइन उसी से आया। अब डायरेक्शन किस तरफ है, मतलब इनका रिजल्टेंट किधर होगा, पहले तो बनाओ यार रिजल्टेंट को, तो जरा ध्यान से देखो, अब ये जो डायग्राम दिख रहा है, अब इसमें एक वेक्टर तो इधर की तरफ जा रहा है, एक वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा, ये सेम ऑर्डर में आगे आप ट्रायंगल लगा सकते हो, तो भैया ये वाला जो होगा ना, ये वाला, ये आपका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट यानी ये ए माइनस बी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन यानी ये वाला एंगल कितना है, टेंजेंट ऑफ दिस अल्फा, अब ये भी निकाल सकते हो, जस्ट क्या कीजिए, थीटा की जगह आप 180 माइनस थीटा लिख देना, यानी पूरे डेरिवेशन में जहां जहां थीटा है आप उसकी जगह 180 माइनस थीटा कर देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा फील करते हैं यार, इस कंसेप्ट को, ये फॉर्मूला थोड़ा सा, मतलब आपको और क्लियर करना चाहूं तो देखो, सबसे अच्छा सा कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, ये इसका एक एग्जांपल है, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का, इसको थोड़ा सा समझो। अब आपको मैं बोलता हूं यार, आपके पास इस एक कार है, इस तरह से एक कार है, वो एक रोड पे चल रही है और उसकी जो स्पीड है, लेट अस सपोज वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ठीक है। सेम उसी रोड पर एक और गाड़ी आती है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में, जिस तरफ पहली कार जा रही है ना, ये ए कार जिस तरफ जा रही है, बी वाला कार भी उसी तरफ जा रहा है, लेट अस सपोज ये आएगा 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, आप अगर गाड़ी ए के अंदर बैठे हैं, आप किसके अंदर बैठे हैं, आप बैठे हो, आप आम आदमी पार्टी, आप बैठे हो भाई गाड़ी नंबर ए के अंदर, क्लियर, गाड़ी नंबर ए में बैठे थे, 40 की स्पीड से चल रही थी, जैसे ये मान लीजिए आपकी गाड़ी है, ये जो डायग्राम में दिख रहा हूँ, ये देखिए, ये 40 की स्पीड से चल रही थी, इधर आ रही थी ये वाली गाड़ी, ठीक है, ये आप बी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ये हमारी गाड़ी जो आ रही है ये 50 की स्पीड से आ रही है। तो मुझे बताओ, जब तुम गाड़ी को बी को देखते हो, जब तुम्हें किसको देखना, आप ए में हो और देखना किसको है, देखना है हमें बी को, तो मुझे बताओ जब तुम बी को देखोगे ए के अंदर बैठकर, तुम्हें उसकी स्पीड कितनी मिलेगी, यानी इसको कहा जाता है कुछ साइंस की लैंग्वेज में मैं बोलूं कि स्पीड ऑफ बी, कहां से, जब तुम ए में से बैठ के देखो, इसमें बैठ के देखो बेटा, ए में बैठ के देखो, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, जिसकी स्पीड देखी जा रही है माइनस जिसमें से देखा जा रहा है, तो ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का, यानी किसी एक चीज की वेलोसिटी दूसरे के रिलेट में देखो। जरा मुझे बताओ यार, मैंने तुम्हें दूसरी गाड़ी की स्पीड पूछी तो तुम कहां से देख रहे हो, तुम तो एक ऐसी गाड़ी में बैठे हो जो खुद मूव कर रही है, आप खुद 40 की स्पीड से मूव कर रहे हो, है ना, और गाड़ी को देख रहे हो 50 वाले को, तब इस केस में जो वेलोसिटी कहलाएगी उसको क्या कहा जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। इसकी देखिए, आप देख रहे हो बी को तो बी की वेलोसिटी, कहां से देख रहे हो, ए से देख रहे हो, तो विद रिस्पेक्ट टू ए, फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, वी बी माइनस वी ए, मतलब दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ये तो हुआ फॉर्मूला, मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन, अब निकालेंगे कैसे, देखो अगर आपको सिंपल कहा जाए तो आप बोलोगे सर हम 40 पे चल रहे हैं, दूसरी गाड़ी 50 पे चल रही है, तो मुझे लगेगा कि वो सिर्फ 10 मीटर स्पीड की, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वो सिर्फ 10 स्पीड एक्स्ट्रा रख रही है ना, तो आंसर आपका 10 आएगा। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे बताओ, पहले तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा आपका कितना हो बेटा, 0 हुआ। अब रिजल्टेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, रिजल्टेंट यानी ये जब दो चीज माइनस में हो रही है, तो आपको अगर वी बी ए निकालना है तो अभी मैंने बताया अंडर रूट ऑफ पहली, मतलब मान लेते हैं वी बी है ये पहला है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर,
तो मैंने क्या किया 40 का कर दिया, सॉरी बीबी आपका 50 है भाई, 50 का कर दिया मैंने स्क्वेयर, ठीक है। फिर प्लस का क्यू स्क्वेयर मतलब 40 का स्क्वेयर, फिर माइनस का 2p मतलब पहली वैल्यू 50 गुना में 40 गुना में कोस ऑफ यहाँ पर एंगल 0। भाई तुम इसको सोल्व करना, और जब इसको सोल्व करोगे आंसर 100 आएगा, मतलब आपका आंसर जो मिल जाएगा वो आपको 10 ही मिलेगा, क्लियर। सेम डायरेक्शन है तो सिंपली दोनों को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, 50 में से 10 माइनस किया, 50 में से 40 माइनस किया, 10 आ जाएगा आपके पास। और अगर इस फॉर्मूले से करो तो ज्यादा मोर एक्यूरेट है, क्योंकि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अब चलो सर ये वाला तो आसान है, तो मैं इसी के अंदर आपसे एक और एग्जाम्पल पूछता हूँ, भाई ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें फिर से कहा कि इस बार आपके पास दो गाड़ियां हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का एक अच्छा कंसेप्ट है और फील करना इसको, दो गाड़ियां कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये वाली गाड़ी इधर की तरफ जा रही है और ये वाली गाड़ी सामने से आ रही थी उसके, और ये मान लेते हैं इस बार 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और इसकी मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ये गाड़ी नंबर ए है, ये गाड़ी नंबर बी है। आप फिर से किसके अंदर बैठे हैं, आप बैठे हैं ए के अंदर, ठीक है, और देख किसको रहे हैं, देखना है आपको बी वाली गाड़ी को। तो मैं आपसे पूछूं भाई तुम बताओ, ए आदमी, ए वाले भाई साहब बताओ, बी की कितनी स्पीड तुम्हें मिलेगी, यानी हमें निकालना है बी की स्पीड ए में बैठकर। इसको पढ़ते कैसे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कैसे निकालोगे, वेलोसिटी बी का माइनस में वेलोसिटी ए का, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, देखिए अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन जब हो जाए तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, थीटा जो होगा बेटा वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला वही पुट करो उसके अंदर, पहली वैल्यू कितनी है, पहली वैल्यू आपकी कितनी है बी वाली, यानी 40 का स्क्वेयर प्लस में 100 का स्क्वेयर प्लस के अंदर आपका, सॉरी माइनस था ना इस फॉर्मूले में, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू कोस ऑफ 180। कोस 180 माइनस 1 होता है, तो यार इसको प्लस का ही बना देगा ये वाला, ठीक है। अब इसको सोल्व करना और आपके पास जो आंसर आएगा वो 140 आएगा, चेक कर लेना। और अगर आप डायरेक्ट याद करें, मतलब आपने जो छोटी क्लासेस में सीखा है, जब दो चीज अपोजिट मूव करती है उनका जो रिजल्टेंट है वो जुड़ जाता है, ठीक है ना, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का सम होती है, यानी 100 प्लस 40 आप सिंपल 140 लिख सकते हो। सर ये तो हमें पता था, क्यों ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाया, यार ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, आपने तो शॉर्ट में याद किया है कि जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में हो तब हम उनका डिफरेंस लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका सम लेते हैं, बिल्कुल ये ठीक है। लेकिन गड़बड़ होती है कब, जब आपको एग्जाम्पल कुछ हटके मिले, एग्जाम्पल हटके मिले यानी ना तो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, ना तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। मैंने तुम्हें कहा एक गाड़ी यहां पर है इस तरफ जा रही है, ये आपकी गाड़ी है ए, ये एक गाड़ी है यहाँ पर, इसका नाम मैंने बी रखा, ये जा रही है इधर। देखिए इसका डायरेक्शन, इस पॉइंट से मैं बनाना चाहूं, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इस बार थीटा ना तो जीरो है ना 180 है, दो ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग एंगल पे जाते हैं उस सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी किधर होगी और कितनी होगी, ये शानदार चीज है। इसी को कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल, मतलब जब दो चीजें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हूं। अब मैं बोलता हूं भाई साहब अगर आप बैठे हो इसके अंदर, आप बैठे हो ए के अंदर, देख रहे हो किसको, देख रहे हो बी को, तब मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि बी की पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, कहां से, ए से। तो सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको लिखा जाएगा VB माइनस का VA। तो याद कीजिए मैंने आपको सिखाया था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो VB प्लस के अंदर नेगेटिव ऑफ VA। अब डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं, डायग्राम में ये कहां पर दिख रहा है, अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखिए VB को कुछ नहीं करना, एज इट इज रखना है, मतलब इस वाली डायरेक्शन को एज इट इज रखना है। अब VA को नेगेटिव लेना है, VA इधर की तरफ है, ध्यान देना ये हमारा V of A है, इसको नेगेटिव लेना है, तो मतलब मैंने ये ले लिया VA, क्लियर। तो हमारे पास आ गया माइनस का VA। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान दीजिए, रिजल्टेंट आपके पास क्या है, VB और माइनस के VA का सम है, बीच में प्लस दिख गया अब आपको, यानी इनका रिजल्टेंट किसका बेटा, ये हमारे पास VB है और ये VA, इनका रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट निकालो। तो यार ये दोनों सेम पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लो बनाना है, पैरेललोग्राम बना लिया, पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट ये कहाँ होगा, ये बीच में होगा।
तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, आ जाएगा VBA, यानी जब आप कार ए में बैठोगे ना तो आपको कार ए से इस तरफ, मतलब ये जो डायरेक्शन दिख रही है ना, आप यहां से चले थे, आप यहां से गाड़ी लेके इधर जा रहे थे, आप गाड़ी लेके इधर की तरफ गए, बी वाला गाड़ी लेके इधर की तरफ गया, आपको क्या लगेगा, बी वाला इधर मूव कर रहा है, आपको लगेगा बिल्कुल ऐसा लगेगा अगर आप ए में बैठे हो और आप देख रहे हो, ठीक है ना। अगर आप यहाँ कहीं स्टूल पड़ा होता है, यहाँ पर खाली बैठे होते, आप रेस्ट पे होते ना, तब आपको बी उधर ही जाता दिखेगा, लेकिन आप खुद मूव कर रहे हो एक अलग डायरेक्शन में, इस वजह से रिलेटिव वेलोसिटी आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ काम आता है बेटा, ध्यान से सुनना। निकालने का फॉर्मूला देखिए यार वही, क्या अगर आपको वी ऑफ बी ए निकालना है तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ वी बी का स्क्वेयर प्लस में वी ए का स्क्वेयर, माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि 180 माइनस पुट कर देंगे, माइनस का 2 वी बी वी ए कोस ऑफ इनके बीच का एंगल थीटा, ये वाला एंगल। इस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो कितना आएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ इसका एग्जाम्पल। मैंने तुम्हें कहा कि ये एक गाड़ी है या प्लेन मान लीजिए इधर मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, वीपी से, पी फॉर प्लेन। इसमें से एक बम को गिराया गया ऐसे नीचे, कितनी स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब बी। अब तुम्हें कहा तुम तो प्लेन के अंदर बैठे हो, तुम थोड़ी छलांग लगाओगे, तुमने तो सिर्फ बम को गिराया। अब मुझे बताओ तुम जब बम को देखोगे वो तुम्हें किस तरफ मूव होता दिखेगा, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी किस तरफ होगी, मतलब तुमने देखना है बॉम्ब को, कहां से देखोगे, प्लेन से देखोगे, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब फ्रॉम प्लेन। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस का वेलोसिटी ऑफ प्लेन, हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस लगता है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब प्लस का नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन, क्लियर। चलिए अब यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये दिखेगा कहाँ पर। तो भैया ये लीजिए, अब आपको देखो आपका बॉम्ब है उसको तो एज इट इज रखो, प्लेन वाले का नेगेटिव ले लो, प्लेन वाला ये आपका इधर पॉजिटिव है तो इधर की तरफ आपका आ गया ये आपका माइनस का वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब आप रिजल्ट निकालो, अब वी बी का और माइनस के वी पी का, वी बी हमारा ये रहा, माइनस का वी पी हमारा ये रहा। तो सबसे पहले मैंने इसको कंप्लीट किया, ठीक है, इस तरह से कंप्लीट किया, तो ये भाई आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट, ये आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। यानी अगर आप प्लेन में तो आपको पीछे गिरता हुआ दिखेगा, देखो आप अगर प्लेन में बैठे हो, आप ये बैठे हो तो आपको बम कहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि वैसे नीचे टेढ़ा जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, ठीक है ना, ये चीज है। आपको ऐसा ही दिखेगा, रियलिटी में होता भी ऐसे है, आपको वो पीछे गिरता हुआ दिखेगा, हालांकि हमने उसको पीछे थोड़ी फेंका था, हमने तो उसको नीचे की ओर फेंका था, हमने तो उसको वीबी वेलोसिटी दी थी, तो वो नीचे क्यों गया, ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी गया, ठीक है ना। ये कंसेप्ट इतना शानदार कंसेप्ट है इसी वजह से, और मोर एग्जैक्टली देखेंगे तो उसका पाथ पैराबोलिक सा भी दिखता है, ठीक है, आगे की तरफ फेंकते हैं कुछ वेलोसिटी से, वो अलग चीज है, ये नीचे ड्रॉप करने के लिए एग्जाम्पल है, हम उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दे रहे, हम उसको सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं, क्लियर। चलिए जी, ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। कैलकुलेट करने के लिए भाई तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने लिखा। अब हमारा दूसरा है वो है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ये भी बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है कि देखिए अगर एक आदमी ऐसे रुका हुआ है, स्टैंडिंग है, रेस्ट पे है, इसकी खुद की मैन की वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, और बारिश गिर रही है, बारिश की बूंदें लगातार गिर रही है, किस वेलोसिटी से गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, लेट अस सपोज वी आर वेलोसिटी से, वी आर बोले तो वेलोसिटी ऑफ रेन, वो लगातार नीचे गिर रही है, ठीक है, आदमी रुका हुआ है तो कुछ नहीं, बारिश भी उसको नीचे की तरफ गिरती दिखेगी, उसको बचना है तो छाते को एकदम से ऐसे रखेगा, ठीक है ना, एकदम से वर्टिकल रखेगा इस तरह से छाते को, और वो बारिश से बच जाएगा। लेकिन आपको कह दिया जाए कि ये आदमी भी ना बड़ा खुराफाती है, ये रुकता नहीं है, ये रेस्ट पे नहीं है, ये आदमी खुद भाग रहा है, देखो इस तरफ मैंने एरो बना दिया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, और बारिश जो है वो नीचे की तरफ ही गिर रही थी, जरा ध्यान से सुनना, बारिश जो है वो नीचे की तरफ ही गिर रही थी पहले की तरह, लेकिन इस डायग्राम में तो सर आपने टेढ़ा बनाया, क्यों टेढ़ा बनाया है, क्योंकि जरा सोचो जब आदमी भी मूव करने लगा, और रेन तो पहले से ही मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन तो पहले से है कुछ ना कुछ, तो दोनों के दोनों मोशन में आ गए, और दोनों के दोनों जब मोशन में आए, दो वेक्टर चीजें और कुछ एंगल पर, तो भैया आता है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। चलिए जी इसको फील कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर क्या होगा इसके अंदर, जरा ध्यान से सुनना, एक आदमी जो है वो इस तरफ भाग रहा है,
डायग्राम है तो देख लो उधर ही तो जा रहा है। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, बारिश जो है वो नीचे की तरफ गिरती है भाई, तुम्हें याद हो अगर इस डायग्राम में मैंने बनाया तो। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, आपसे पूछा गया उस आदमी को रेन किस तरह से महसूस होगी, यानी आदमी ने रेन को देखना यार, है ना, रेन थोड़ी आदमी को देखेगी, यानी उस आदमी को क्या करना है, रेन को देखना है। देखेगा कौन, मैन देखेगा, यानी हमें बात करनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हमेशा ध्यान देना ठीक है कि किसको देखा जा रहा है और कौन देख रहे हैं, रेन को देखना यार, कहां से देखेंगे, मैन से, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, आप करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन जो आगे लिखा है माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन, इस तरह से करेंगे ठीक है। अच्छा इसको मोर प्रॉपर लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस के अंदर नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, ये मेरी बात को समझ पाए। अब चलो डायग्राम के अंदर थोड़ा सा फील कर लेते हैं इस चीज को, डायग्राम के अंदर फील करें तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन को कोई छेड़ना नहीं है, ये नीचे की तरफ ही दिखाओ, लेकिन मैन वाली वेलोसिटी को नेगेटिव रिप्रेजेंट कर दो, तो आपने कर दिया ऐसे नेगेटिव रिप्रेजेंट, तो ये नहीं आपके पास ये आ गया माइनस का वीएम। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है आपका वीआर प्लस में माइनस का वीएम, है ना, यानी इस चीज का और इसका रिजल्टेंट। अब निकालो रिजल्टेंट तो देखो दोनों सेम पॉइंट सेट कर रहे हैं, मैंने यहां लगाया पैरेललोग्राम लो, तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक पैरेललोग्राम, हालांकि रेक्टेंगल सा लग रहा है या स्क्वायर सा लग रहा है, कोई बात नहीं। तो ये होगा जो आपका, ये होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बोले तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी बारिश कुछ इस तरह से आएगी। और मैं अगर पीछे बनाऊं इसको तो ये बारिश कुछ इस तरह से दिखेगी ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और आदमी अगर यहाँ पर जो था वो इधर ही तो भाग रहा था, अगर उसको बारिश से बचना है तो मुझे बताओ वो छाते को किस तरह से करेगा, बताओ छाते को, उसके हाथ में अगर छाता है तो वो छाते को इस तरह से टेढ़ा कर लेगा, है ना, इस तरह से टेढ़ा कर लेगा, क्यों, क्योंकि उसको जो रेन है वो तो इधर से महसूस हो रही है, रेन इधर से आ रही है, तो वो छाते को कुछ इस तरह से अगर कर लेता है तो वो बारिश से बच जाएगा। देख लो यार दूसरे डायग्राम में ऐसे तो छाता किया उसने, क्यों किया, छाते को क्यों मोड़ा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन ऐसे इंक्लाइंड हो गई भाई, इसलिए उसको छाता उधर करना पड़ा। अगर वो रुका हुआ था तब ऐसा कोई लॉजिक नहीं था, तब ऐसा कोई रूल नहीं था, तब बारिश सीधे नीचे गिर रही थी तो छाते को एकदम से वर्टिकल पकड़ा, लेकिन अगर वो मूव करता है किसी वेलोसिटी से तब ये दिक्कत आती है ठीक है। अच्छा अगर आपको मैं एग्जाम्पल वाइज बोल दूं कि आदमी की स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है भैया सुनना जरा, आदमी की वेलोसिटी कितनी बेटा आपके पास 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ये 4 मान लेता हूँ एक बार, चलो मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए 4 मीटर पर सेकंड है, बारिश नीचे गिर रही है भैया तेरे पास 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो रेन की स्पीड कितनी महसूस होगी उस आदमी को, कितनी वैल्यू में पूछा आपसे, तो यार वैल्यू निकालना है हमें वी ऑफ आर एम, तो अभी भी मैंने सिखाया अंडर रूट ऑफ, पहले पहला कौन सा लिया हमने वी आर को लिया, तो 3 का कर दिया स्क्वायर, दूसरा मतलब 4 है आपके पास प्लस में 4 का स्क्वायर, माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस होता था 2 पहला यानी पी 3 लिखा, दूसरा यानी 4 कोस ऑफ एंगल। अच्छा एंगल पे जरा ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर, तो इनके बीच के एंगल बेटा 90 डिग्री है स्टार्टिंग का, तो यानी कोस 90, और कोस 90 पता है तुम्हें कितना होता है, 0 हो जाता है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा अंडर रूट 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 होते हैं 25, तो अंडर रूट ऑफ 25 तो आपके पास आया बेटा 5 मीटर पर सेकंड, यानी इस आदमी को जो ये बारिश होगी ना, बारिश देखिए बारिश जो है ना वो एक्चुअल में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिर रही है, लेकिन इस आदमी को भागने की वजह से, ये खुद भाग रहा है 4 मीटर की स्पीड से, इसको लगेगा कि वो जो रेन है ना वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रही है। देखो ये सारा रिलेटिव का कंसेप्ट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद है आपकी आइंस्टाइन की, तो यार सारा फंडा वही है, आप रुके हो तब चीजें अलग महसूस होगी, और अगर आप खुद मूव कर रहे हो तब चीजें अलग महसूस होगी, रुका हुआ था तब बारिश 3 मीटर की स्पीड से नीचे गिर रही थी, और जब तुम खुद भाग रहे हो तो आपको वही बारिश 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से महसूस हो रही है ठीक है ना, तो ये इसका फंडा है। और आप इसके डायरेक्शन भी बता सकते हो कि आपने छाते को कितने एंगल पे ऊपर किया या कितने एंगल पे टेढ़ा किया, आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो बेटा, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो, कैसे, आपके पास भाई वीएम है और आपके पास ये वाला ऊपर, ये वीआर, ये भी तो 3 है वैल्यू वाइज 3 मीटर पर सेकंड, तो आप कोई भी ट्रायंगल बनाए बेटा तो इसमें से ये थीटा कुछ भी निकाल सकते हो, आप एंगल निकाल सकते हो, क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से और फील करते हैं, सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 एग्जांपल से बताना चाहूंगा। तो मान लीजिए पहले एग्जांपल में क्या किया, इस बार वो आदमी इधर की तरफ भाग रहा है, यानी ये आदमी जो है ना इसके पास छाता है, छाते की डायरेक्शन लास्ट में बनाएंगे, ये आदमी वीएम वेलोसिटी से इधर भाग रहा है और बारिश फिर से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, यानी ये है वेलोसिटी ऑफ रेन।
दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया, मैंने बोला कि ये जो आदमी है ये फिर से इधर की तरफ भाग रहा है, यानी ये आदमी की खुद की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन। और जो बारिश है भाई ध्यान से सुनना, बारिश इस बार सीधी नहीं गिर रही, बारिश भी इस बार टेढ़ी आ रही है, इस तरह से बारिश आ रही है, ठीक है। यानी ये जो डायरेक्शन है ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। दोनों में मुझे आपने अम्ब्रेला का डायरेक्शन बताना है। हालांकि कैलकुलेट भी कर सकते हैं यार हम वैल्यू की कितनी वेलोसिटी मिलेगी रिलेटिव। चलिए जी पहले इसमें दिखाते हैं। देखो हमें हमेशा रेन को देखना होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है, कहां से, मैन से, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतना स्लो बता रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, क्लियर। अच्छा इसको और प्रॉपर लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हमें रेन को एज इट इज रखना है, माइनस किसको लेना है, मैन की वेलोसिटी को। मैन इधर था तो हमने इसका अपोजिट बना दिया ये वाला, तो आपके पास ये बन गया माइनस का वीएम। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका, तो बना देते हैं यहाँ पर हम पैरेललोग्राम। बना दिया मैंने पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाया तो ये भाई साहब ये जो लाइन दिखी ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट बोले तो ये है वेलोसिटी, कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यानी बारिश जो है ना इस आदमी को कुछ इस तरह से गिरती दिखेगी, इधर की तरफ बारिश उसको कुछ इस तरह से आती दिखेगी, ठीक है, उस आदमी को। अगर अब इस बारिश से बचना है तो मुझे बताओ अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में करेगा। हाँ हाँ सर बना देंगे अब तो वो छतरी को कुछ इस तरह से पकड़ेगा और छतरी कुछ इस तरह से रखेगा ताकि वो बारिश से बच सके, ठीक है। वैल्यू कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी की, वही यार, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री है, इसके अंदर वही फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ किसका, रेन की वेलोसिटी का स्क्वायर कर देना प्लस मैन की वेलोसिटी का स्क्वायर, जोड़ के रूट कर देना। ये वाला वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो इसके, इसमें क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें एंगल थीटा है, 90 डिग्री नहीं है इसका। सबसे पहले यहाँ रिप्रेजेंट करो तो वही वी आर माइनस का वी एम थी, तो ये वी एम प्लस का था, तो मैंने इधर की तरफ बनाया आपका कौन सा लाइन, अपने आप देखे टेढ़ी होगी बनाने के बाद, माइनस का वी एम बना दिया, ठीक है भाई, माइनस का वी एम बना दिया, ये वी आर है। अब इसका और इसका रिजल्टेंट तो बनाओ पैरेललोग्राम, तो मैंने बनाया ये पैरेललोग्राम, ये बन गया पैरेललोग्राम। अब रिलेटिव वेलोसिटी किधर होगी, ये इनका रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बारिश उसको कुछ इस तरह से गिरती महसूस होगी, ये डायरेक्शन होगी बारिश की, तो लगभग उसको छाते को वर्टिकल जैसा ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा, वैसे टेढ़ा ही हल्का सा, तो छाते को इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। इस बार ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इस बार लगेगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर माइनस का टू वी आर वी एम कोस ऑफ, ये जो एंगल दे रखा है इस पूरे का अंडर रूट, इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, आई थिंक सो समझ आ गया होगा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लास्ट एक चीज और देख लो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे, रिवर बोट प्रॉब्लम। अच्छा रिवर बोट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए अब रिवर में अब पानी होगा, पानी भी मूव कर रहा होगा अपनी कुछ वेलोसिटी से, है ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर होगा कुछ, या वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल दो यार आप इसको, क्योंकि रिवर में पानी तो है, और उसके अंदर बोट भी मूव कर रही है, या एक आदमी स्विम कर रहा है, जरूरी नहीं बोट हो, मान लेते हैं कि आपको बोट बोल दे क्वेश्चन के अंदर, या आपको बोल दे कि मैन खुद स्विम कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा सोचो यार ये दोनों की दोनों वेलोसिटीज आपके पास है, जब एक आदमी जब दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट तो लगेगा। एक आदमी पूल में एक रुके हुए पानी में तैर रहा है तो यार ध्यान दो वहां पर पानी तो रुका हुआ है, आदमी की वेलोसिटी काउंट होगी। एक बोट रुकी हुई है पानी के अंदर और पानी मूव कर रहा है, नदी का पानी बह रहा है, तो वहां पर अगेन एक ही वेलोसिटी है, लेकिन अब क्या है पानी भी मूव कर रहा है और आदमी भी स्विम करेगा या फिर बोट भी मूव करेगी, तो यहां पर आ जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो सारा का सारा फंडा ही तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। अब डायग्राम में जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए पानी है वो कुछ इस तरफ मूव कर रहा है, जो मैंने एरो बनाया, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल दो, वेलोसिटी ऑफ वाटर बोल दो, आपका जो मन करे, ठीक है। और आप बोट को आप तो इधर की तरफ लेके गए थे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप बोट को इधर लेके गए, यानी आदमी तो इधर की तरफ मूव किया था अपनी वी एम वेलोसिटी से, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह आएगा। रिजल्टेंट यानी ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट मान लेते हैं मैं इसको V से लिखता हूँ, रिजल्टेंट उसको इधर ले जाएगा। हम जा तो रहे थे सीधा, हम जा रहे थे इधर की तरफ और पहुंच गए इधर इस किनारे पे। हम यहाँ से जब चले थे हमने तो बोला था यार मैं इस B पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, लेकिन पहुंच गए C पॉइंट पे, ये ड्यू टू रिजल्टेंट ही तो है, इसकी वजह से ड्यू टू रिजल्टेंट ही तो है ये चीज, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से सुनना, आपको ये निकालना है कि उधर जाने में कितना टाइम लगेगा, ऐसी चीजें आप निकाल सकते हो, इवन आप ये V वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। मुझे बताया इस डायग्राम में सिंपल देखो, आप ऊपर की तरफ गए थे वीएम वेलोसिटी से, इधर पानी जा रहा है वीआर वेलोसिटी से, तो ये आप डायग्राम वाइज भी देखो तो ये डायग्राम बनता है ना,
डायगोनल निकालना बड़ा आसान है क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही तो है, VM और VR, तो VM का कर दिया स्क्वायर प्लस VR का भी कर दिया स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया, अंडर रूट कर दिया, ठीक है भाई। तो आपके पास ये आ जाएगा, किसका वैल्यू, ये आ जाएगा V का वैल्यू, यानी आप इस वेलोसिटी से चलेंगे। आप निकले, घर से निकले थे बोट को लेके, यानी पानी में निकले थे बोट को लेके, VM वेलोसिटी से, पानी था उसके अंदर, पानी की यानी रिवर की भी कुछ वेलोसिटी VR थी, और आप पहुंचे किस वेलोसिटी से, V से। फिर से वो एग्जांपल आपने मान लेते हैं, मतलब आप जो मैन है या आप जो बोट है वो 4 मीटर की स्पीड से पानी के अंदर एंटर किए, पानी का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ आप जब उधर जाओगे तो आपकी ओवरऑल स्पीड कितनी होगी। तो यार मैं ओवरऑल जब स्पीड को चेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आपके पास यार रूट 25 यानी 5 आ जाएगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी आपकी 5 होगी। कारण क्या है, क्योंकि पानी का बहाव आपको आगे ले जाएगा, सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते हो, पानी का बहाव आपको आगे लेके जाएगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का यार कंसेप्ट है, उसी की वजह से। अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताओ कि उधर जब आप गए तो ये डिस्टेंस आपने ये ट्रेवल किया है ना, मान लीजिए आपको ये डिस्टेंस एस दे दे, तो आप टाइम भी निकाल सकते हो। तो टाइम क्या होगा बेटा, टाइम वेलोसिटी होती है, आपको पता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है। अगर डिस्टेंस वो एस लिख रहा हूँ, ठीक है, और आपका वेलोसिटी अभी भी निकाला, अंडर रूट ऑफ वी एम का स्क्वायर प्लस में वी आर का स्क्वायर, आप इस तरह से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्लियर। एक केस वो देख लें भाई, इसका लास्ट केस मान लीजिए, ये इस तरह से एक रिवर है, क्या है, एक रिवर। आपको बोला भी तुम रिवर में इस ए पॉइंट पे खड़े हो और तुम्हें जाना है बी पॉइंट पे, तुम्हें बी पे ही पहुंचना है, ध्यान से सुनना, एकदम से सीधा जाना है। इसके अंदर जो पानी है वो भी मूव कर रहे हैं, तो क्या तुम ऐसे सीधा निकलो बी पे पहुंच पाओगे, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी रिवर की वजह से आप कुछ टेढ़ा ऐसे इंक्लाइन चले जाओगे। तो आपने क्या किया, दिमाग लगाया, आप पहले से ही ऐसे टेढ़ा चले, मतलब आप पहले ही इस तरफ गए, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मैन से, ठीक है। रिवर इस तरफ चल रही है किस वेलोसिटी से, वी आर वेलोसिटी से, रिजल्टेंट आपका कुछ ये आ गया है ना, आप यानी सीधा पहुंच गए, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। चलिए इस केस में आप बताओ मुझे कितनी वेलोसिटी से आप उधर पहुंचे, तो अगेन मुझे इस पर v निकालना है। अब इस डायग्राम वाइज देखो, इस बार हाइपोटेनस vm है, तो यानी आपके पास vm का स्क्वायर जो होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, vr का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। ये मैं पाइथागोरस ही तो यूज कर रहा हूं सिंपल, तो v स्क्वायर आपके पास क्या आया, vm का स्क्वायर माइनस का vr का स्क्वायर, तो आपके पास v आया अंडर रूट ऑफ vm का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। एग्जाम्पल वाइज मैं आपको बोलता हूँ कि भाई तुम्हें A से B तक जाना है, तो क्या किया तुमने ना बोट को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाया, और जो पानी है ना भाई वो कितनी स्पीड से चल रहा है, वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो बताओ कितनी स्पीड से तुम पहुंचोगे उधर, तो मैंने निकाला देखो 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 होता है, 25 में से 9 के 16 अंडर रूट 16, मैं सिंपल वैल्यू दे रहा हूँ ताकि आसान हो जाए। तो 4 मीटर पर सेकंड आप चले थे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आप यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले थे, लेकिन आपकी जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आई भाई, ये आपकी आई 4 मीटर पर सेकंड आई, तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अगेन टाइम निकालना, तो आपको अगर ये रिवर की विड्थ दे रखी है तो आप उसको इस वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, आपके पास टाइम आ जाएगा। तो ये था भाई आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगला कंसेप्ट हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट, कि वेक्टर का रेजोल्यूशन होता क्या, एक्चुअल में किसी वेक्टर को तोड़ना ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे यार इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन के, आप देख सकते हैं स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन बड़ा अच्छा है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है आपका, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से हम वेक्टर के मतलब कंसेप्ट को कल की वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे, मतलब कल हमारा वेक्टर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन हम उसके बाद करेंगे क्या भाई, देन हम उसके बाद करेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किसके, वेक्टर क्वांटिटीज के, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो यार बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जो लास्ट तक पहुंचा है, तो भैया आप कमेंट करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मुझे आपसे यही उम्मीद होती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोज़ को देखें, और मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट का कि कब मुझे पता लगे कि इस बच्चे ने वीडियो देखी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आए तो यार इसको लाइक करना मत भूलना, बहुत मेहनत होती है इन स्लाइड्स को तैयार करने की, ठीक है ना, एक एक स्लाइड को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो शायद आपको उतना टाइम वीडियो को देखने में ना लगे, इससे डबल या ट्रिपल मुझे इसको बनाने में लगता है। तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना, दोस्तों को भी शेयर करें यार, और अगर आप चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, ठीक है, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।